फेस्टिवल में हम मौजूद हैं और तनीषा बख्शी आज हमारे साथ हैं। और ख़ास बात यह है कि इस पूरी एग्जीबिशन को मैंने सर्वे किया है, मैंने इतना रियलिस्टिक वर्क नहीं देखा है। तो हम आज इन्हीं से बात करेंगे कि इतनी कम उम्र में कब से ये काम कर रही हैं जो इतना रियलिस्टिक कंपोजिशन आपने बनाया है। पेंटिंग का बहुत शौक था, तो 12th कंप्लीट करने के बाद से मैंने पेंटिंग स्टार्ट करी है और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। ये ड्राइंग इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई, आपने क्या करा इसके लिए, ये प्रैक्टिस किस तरह से करी? प्रैक्टिस ड्राइंग का शौक तो शुरू से ही था, स्केचिंग मैं बचपन से करती आ रही हूँ और मेरा हाथ सबसे ज़्यादा अच्छा कार्टून्स में था, तो मुझे उसके लिए काफ़ी अवार्ड भी मिले थे स्कूल में। बट 12th के बाद मैंने इसको फुल टाइम। अच्छा, वेरी नाइस। तो आपका क्या आगे प्लान है, कोई फाइन आर्ट्स में कोई कोर्स करेंगी या क्या करेंगी? अभी एकेडमिक प्लान्स तो कोई नहीं है, बस अपनी मम्मा को प्राउड फील करवाना है, यही प्लान। वो तो बिल्कुल अच्छी बात है, उनको प्राउड फील होगी, आप जो भी करेंगी उनको प्राउड होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आइए वही आप से। तो हम ये जानना चाहते हैं जो ये कंपोजिशन आप बनाती हैं, जो ये रियलिस्टिक वर्क करती हैं, इससे पहले कि हम फोटोशूट करती हैं? अच्छा, क्योंकि जो उसमें पर्सपेक्टिव आया है निकल के, तो वो फोटोग्राफ से आया है? नहीं, पर्सपेक्टिव तो मैंने खुद से किया। आप लाइव ड्राइंग भी करती हैं, मॉडल्स के सामने बिठा करके उनका स्केचिंग करती है? और कलर्स का कैसा होता है, कि मेमोरी में रहता है कलर या फिर उसको बार बार मिलाते हैं? बाद में मैं कंपोजिशन के हिसाब से करती हूं। तो कितनी देर की सिटिंग चाहिए होती है कैसा काम करने के लिए? देखो, लाइव ड्राइंग के लिए एटलीस्ट 1 आवर तो चाहिए होता है। ओके, मैं प्रॉपर कंपोजिशन पूरा कर दूँ, बाकी कलर्स के लिए तो मेरे को एक पेंटिंग में 2-3 तो हम आपकी मदर को भी इसमें लाना चाहेंगे फ्रेम के अंदर, कि जिनको आप प्राउड फील कराना चाहती हैं, तो ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इनके वर्क के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा काम कर रही है, फुल टाइम देती है पेंटिंग के लिए। तो इस फील्ड में कोई पहले था खानदान के अंदर जो कहाँ से? कोलाज वर्क करते हैं वो, आर्टिस्ट हैं शुरू से? देख देख के अच्छा, तो पापा के आपने पुराने स्केचेस वगैरह से पूरी सारा देखा होगा, ड्राइंग देखी होंगी, तो आपको उससे इंस्पिरेशन मिली है कि आप इस तरह काम करें? तो आपकी एनाटॉमी मैंने देखा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी पेंटिंग का, किसी ड्राइंग का। तो ये जो एनाटॉमी आपको कितने साल लगा ये अडॉप्ट करने में, इतनी क्वालिटी? तो इस बार आपने नया मीडियम यूज़ किया है, मैंने पहले भी देखा है आपका, तो ये आपने इस बार कपड़ा यूज़ किया है? मैंने और बच्चे का प्यार को बेडशीट से कनेक्ट करना चाहती थी, तो उनकी रफनेस या उनकी लाइफ में वो भाग जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगे कि आपके फादर भी मौजूद हैं। अरे आइए सर, मैं आपसे मिलना चाहूँगा, शायद मेरे ख्याल से बिजी हैं फोन पर, तो हम दूसरी पेंटिंग पे चलते हैं। ये आपने एक साड़ी के ऊपर डिज़ाइन किया है, ये किस मटेरियल की साड़ी है? अच्छा, मुझे ये साड़ी का अपना टेक्सचर है ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, तो आपने ये क्यों सोचा कि मैं प्लेन बैकग्राउंड यूज करूँगा टेक्सचर वाली, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। ये आपने मॉडल इनको रखा है, उसमें फोटो नहीं शूट करने वाली? अच्छा, नहीं, लाइव ड्राइंग करती है, उसमें कलर तो उनके लिए मैं फोटो लेता हूं। ओके, तो आपने उनको लाइव सेटिंग भी किया है और उसका पोर्ट्रेट मिला? अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे अशोक साहब से मुलाकात करके, उनकी बेटी इतना बड़ा काम कर रही है। मुझे ये भी मालूम है कि अशोक साहब खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और उनसे इंस्पिरेशन इनकी बेटी को मिली है। तो सर, आप किस तरह का वर्क करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। नहीं, आप बताएं, कोलाज में काफ़ी काम कर रहे हैं, आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं? कोलाज इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल, तो आप भी ड्राइंग वगैरह करते रहे? वेस्ट पेपर यूटिलाइजेशन, नथिंग, सो यू आर मेकिंग कंपोजिशन इन अ डिफरेंट फॉर्म बेसिकली, व्हाटएवर पेपर्स को लेके पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। वेरी गुड, बहुत डिफिकल्ट जॉब है। तो बेसिकली इनके अंदर तो इनहेल है आर्ट, जो उनके पेरेंट्स के अंदर है, तो वो आर्ट्स इन्होंने उभार के निकाली है, सबके सामने निकाली और इस लेवल पर निकाली है कि इन्होंने इस एग्जीबिशन, इस आर्ट करके देखिए नाम मचा दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो तनिषा, और आप आगे बढ़ के बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनी है।